अस्सलाम वालेकुम। टुडे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चीज़ें होंगी जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं। जैसे हम कोई स्टैम्प पेपर ख़रीदते हैं, हम एग्रीमेंट 100 रुपये वाले पे बनाएं, 50 वाले पे बनाएं, लॉ क्या कहता है, लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए, ये उन लोगों के लिए जो कि जिनका एग्रीमेंट वगैरह डेली बेसिस में यूज़ होते हैं या कभी कभार यूज़ होते हैं, या अगर कभी वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे कभी अपने पास नॉलेज रखना चाहें और आगे इस हिसाब से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमें किस एग्रीमेंट, किस डॉक्यूमेंट पे या किस कॉन्ट्रैक्ट में या किस लॉ के तहत किस पेपर पे हमें कितनी वैल्यू की स्टैम्प यूज़ करनी चाहिए या किस स्टैम्प को यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, कम करना चाहिए या क्या लिमिट है, या कब हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो सर क्या मतलब एक लॉ के मुताबिक एक लिमिट दी गई, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मोस्टली कि हमारे पास होता है, ये सबसे पहले तो हमारे पास रसीद बनती है जो कि बिल्कुल ही एक स्मॉल पार्ट होता है। जैसे अगर मैंने आपसे कोई घर ख़रीदा और प्रॉपर्टी आपसे मैंने परचेस की, तो पुराने ज़माने में तो प्रॉपर्टीज थाउजेंड्स में होती थी, मतलब 1940 से, क्योंकि लॉ जो है वो अमेंडमेंट होती है और रिपील होता है। अमेंडमेंट मतलब आपको पता होगा शायद कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, रिपील का मतलब जो है वो न्यू लॉ आके उसको कवर कर लेता है, पुराने लॉ को चेंज कर लेता है। 2014 स्टैम्प वैल्यूएशन एक्ट को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस जो विद अफेक्ट फ्रॉम 2014 चल रहे हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसके तहत जो है हमारे पास रिसिप्ट जो है बेसिकली जो सील एग्रीमेंट के साथ जो मिलता है, अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं तो उसमें हमें रसीद मिलती है कि आपने टोकन मनी इतना ले लिया, एडवांस डिपॉजिट इतने ले लिया। आजकल प्रॉपर्टी कम से कम लाखों में और ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों में चल रही है, तो उसमें तो ये लॉ इनवैलिडेट हो जाता है। अगर हम कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे किसी रूरल एरिया में कर रहे हैं या किसी पॉवर्टी रिडन एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, या जहाँ पर डिपॉजिट इतना ज़्यादा नहीं है, या रेंट के टाइम पर डिपॉजिट बहुत कम है, आजकल बहुत कम होता है, डिपॉजिट भी 2000 से ज़्यादा ही होगा, तो जो 2 रुपये की रेवेन्यू स्टैम्प लगती है वो तब लगती है, जो कि हमारे पास आज भी कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो तब लगती है जब 2000 तक की रसीद बन सकती है। जैसे कि रसीद की लिमिट 2000, जैसे मैं 2000 तक का किसी को एडवांस दे रहा हूँ तो उस पर 2 रुपये की रेवेन्यू पोस्ट ऑफिस की टिकट लगेगी। लेकिन हमारे पास काफ़ी वेंडर्स या काफ़ी एग्रीमेंट सेलर्स होते हैं जो कि नॉन ऑफिशियल लोग होते हैं, लॉयर्स नहीं होते, क्योंकि अगर लॉयर तो ऐसा कोई करेगा नहीं, तो वो लॉयर नहीं होते और वो आपको रेवेन्यू स्टैम्प लगा के 2 रुपये के दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम आप उसे कवर करें, पर आगे आप कहीं भी इसको लेके जाएंगे किसी लीगल पर्सन के पास, या कभी अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है 2 रुपये की रेवेन्यू स्टैम्प जो कि 2000 की लिमिट को कवर कर सकती है, लाखों की ट्रांजेक्शन को कैसे आप एक आप अपनी टिकट को उस लॉ के तहत वैलिडेट करा रहे हो कि हमने इस पर इतनी फीस दी है, रेवेन्यू स्टैम्प दिए, तो आपको बाद में देनी पड़ सकती है। अगर कल अगर आपका डॉक्यूमेंट कहीं भी लीगल कोर्ट ऑफ लॉ में या कहीं भी आप उसका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट काउंट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर वो 2000 से ऊपर जाए, जो कि आजकल का हमारा सिनेरियो है, लाखों के एडवांस डिपॉजिट हैं, करोड़ों के डिपॉजिट, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चल रही है, तो उस हालात में हमें प्रॉपर्टी को कितना कवर करना है या उसके हम किस हिसाब से वैल्यूएशन को रेवेन्यू के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि उसमें आप 5 रुपये की रेवेन्यू स्टैम्प लगाएंगे ताकि जो है आपका डॉक्यूमेंट कवर हो। उसके बाद उसको आप देखेंगे कि आपकी वैल्यूएशन उसके ज़्यादा तो कहीं नहीं जा रही, उससे ज़्यादा की गवर्नमेंट की कोई लिमिट है नहीं, क्योंकि अगर 2000 से ऊपर पे जा रहे हैं तो 5 रुपये की रेवेन्यू स्टैम्प पे लगेगी। उसके बाद आप उसको अपने एग्रीमेंट के साथ अटैच करेंगे और देन आप उसको जो है वो अपने पार्ट ऑफ एग्रीमेंट जो है उसके साथ अटैच करके एग्रीमेंट को नोटराइज करा देंगे, तो आपका एग्रीमेंट कंसिडर होगा एज ए कम्प्लीट डॉक्यूमेंट। एफिडेविट पर आ जाते हैं। एफिडेविट जो हम बनाते हैं कुछ लोग 50 पे बनाते हैं, कुछ लोग 100 पे बनाते हैं, 200 पे भी बना देते हैं। एफिडेविट जो बनता है वो मोस्टली बनता है 50 रुपये के पेपर पे। तो अगर कोई 100 रुपये बना रहे तो वो भी ठीक है, लेकिन जो इसकी कानून जो लिमिट है वो 50 रुपीज़ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि मेमो को कवर कर रहे होते हैं, मेमोरेंडम के क्लॉजेस होते हैं उसमें कवर कर रहे होते हैं, जिसमें अगर आपका आगे रिलेटिंग टू दी प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो तो वो तो आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगती है और कवर होती है। लेकिन अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कर रहे हो, तो उसमें मेमोरेंडम बना रहा हो कि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ किसी को, जब न्यू
कार परचेज करते हैं तो उसके पाकिस्तान में क्या लॉज हैं, 500 के स्टैम्प पेपर पे बनते हैं, 500 स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसमें। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज जब हम बना रहे हैं, जो कि काफ़ी लोग 100-200 पे बनाते हैं, वो एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर मेमोरेंडम आप बना रहे हैं तो एग्रीमेंट ऑफ एंड मेमोरेंडम, मतलब मोस्टली जो एग्रीमेंट जो होता है हमारा एक मेमो के तौर पे जो बनाया जा रहा है उसमें 500 के उसमें भी वही ड्यूटी लगती है। तो 50-100 वाले पेपर पे कवर नहीं होता, वो कानूनन आप उसकी स्टैंप ड्यूटी वो पे नहीं कर रहे हो, जो कि करनी चाहिए। मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अगर आप रिकन्वेंस करा रहे हो, जैसे अगर आपकी मॉर्गेज की भी प्रॉपर्टी है उसको रिकन्वेंस कर रहे हैं आप, तो उसमें भी 500 की स्टैंप ड्यूटी लगती है रिलेटेड टू द रिकन्वेंस ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। और पार्टनरशिप, और अगर आप पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का एग्रीमेंट बना रहे हो उसमें स्टैम्प की 2000 रुपीज लगती है। ये बिजनेस पर्पज इसके लिए यूज होता है पार्टनरशिप, तो हमारे जो बिजनेस सोसाइटी है या जो कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं और उसमें अपने ट्रांजेक्शन को स्टैम्प ड्यूटी को कवर कर सकते हैं कि हमें कितनी स्टैम्प ड्यूटी कब देनी है और एग्रीमेंट हमारा किस स्टैम्प पेपर बनाना चाहिए। उसके बाद जब हम आते हैं तो उसके बाद जहाँ पे चीज़ें कवर नहीं की गई हो, जैसे मैंने नहीं पता हो अलॉटमेंट ऑर्डर बनाना है या कहीं हमें बिल्डर की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है, कोई ओपन प्लॉट की लीज़ वगैरह मिल रही है, ओपन प्लॉट के साथ जो लीज़ के साथ जो डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसमें मतलब हमें नहीं मालूम होता कि उसमें क्या चीज़ें कवर होंगी क्या नहीं होंगी। एक सिंपल जैसे कि हम देख लें कि जहाँ हमें कुछ नहीं पता हो कि वो डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिकेशन क्या है, वो 100 रुपये बनेगा। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट जो कि ओपन प्लॉट के साथ चल रहा है और जहाँ पे पर स्क्वायर यार्ड की चीज़ें कवर की जा रही है, जैसे कि प्रॉपर्टी ओपन प्लॉट है बिल्डर की तरफ से हमें मिल रहा है, तो उस पर जो हमारी स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो पर स्क्वायर फीट पर रेजिडेंशियल ओपन स्क्वायर यार्ड में 10 रुपये लगेगी 399 स्क्वायर यार्ड की डिमांड है पर स्क्वायर यार्ड। अगर आपका 400 के अंदर अंदर की प्रॉपर्टी है तो बिल्डर की तरफ से आपको मिल रहा है कोई डॉक्यूमेंट तो 10 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे होगी, तो 3,990 रुपये की जो है वो स्टैंप ड्यूटी मैक्सिमम पे की जा सकती है बिल्डर की तरफ से। अगर वो ओपन प्लॉट का कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं लीज के साथ अलॉटमेंट ऑर्डर दे रहे हैं कुछ दे रहे हैं तो उसको स्टैंप ड्यूटी नहीं लगानी होगी। रेजिडेंशियल अगर 400 से अबव है तो उसमें वो देगा 30 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, और अगर कमर्शियल ओपन प्लॉट है तो उसमें 40 रुपये पर स्क्वायर यार्ड देगा। इसी हिसाब से इंडस्ट्रियल प्लॉट से जो कि ज़्यादा बड़े कमर्शियल हाईली कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं 20 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड देगा। इसी तरीके से बैंक वाले जो होते हैं बैंक वगैरह जैसे गारंटी देते हैं आपको लोन वगैरह के लिए तो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो उन सब में जो है वो 100 रुपीज़ 100,000 की अमाउंट की गारंटी के लिए, अगर 200,000 है तो 200 रुपये, 300,000 है तो 300 रुपये, अगर 1,000,000 है तो 1,000 रुपये। इस हिसाब से आप बैंक वालों के ट्रांजेक्शन लॉ के हिसाब से कवर कर सकते हैं। मैं वैसे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की जाती हैं, मैं अपने अगले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। ये छोटा सा रिव्यू देना था बैंक्स में कैसे होते हैं, ओपन प्लॉट में कैसे होता है, एग्रीमेंट्स में कैसे होते हैं, सेल ऑफ प्रॉपर्टी में जब हमने डिस्कस किया, सेल ऑफ व्हीकल्स हैं, मॉर्गेज डीड, रिकन्वेंस डीड, सेल एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटीज एंड एफिडेविट एंड रिसिप्ट जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था। तो उसमें ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे डेली एस्पेक्ट में कवर होते हैं। सो थैंक यू एंड आई होप कि मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर कर सकता हूँ और जो कि आप हेल्पफुल भी होगी ऐसे लॉयर। आई ट्राई टू कन्विंस एंड शेयर माई नॉलेज विद द पीपल सो दे आर एबल टू गेट द अवेयरनेस ऑफ द लॉ, और आप जितना ज़्यादा अवेयर होंगे उतना ज़्यादा आप लीगली अपने राइट्स को भी जान सकेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी काफ़ी एफिशिएंट होंगे। सो थैंक यू।